तो गाइस रेसलमेनिया होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ट्रिपल एच से एक रिपोर्टर ने सवाल किया ब्रॉक लेसनर को लेकर क्या वो WWE में रिटर्न करेंगे। तो ट्रिपल एच ने यहाँ पे रिप्लाई में दिया वो फिलहाल अभी घर पर है और वो WWE से कहीं नहीं गए। और ट्रिपल एच लेसनर के रिटर्न के बारे भी बताते हैं और वो कहते हैं कि उनका रिटर्न कभी भी हो सकता है। तो भाई कल प्रोबेबली कोडी रूड्स की हेल्प करने के लिए आ सकते हैं ब्रॉक लेसनर और स्टीव ऑस्टिन दारो को कन्फ्रंट करने आएंगे और जॉन सीना सोलो सिको को कन्फ्रंट करने आएंगे। मतलब कल बहुत बड़ी तबाही होने वाली रेसलमेनिया के अंदर और ये सब मिलकर कोडी रूड्स को जितान देंगे और रोमन रेंज का इतना लंबा टाइटल रेंज फाइनली कल एंड हो जाएगा। और भाई जो आज का टैग टीम मैच हुआ उसमें एक्सीडेंटली दारो को स्पेयर पड़ जाती है रोमन रेंज के द्वारा और ये WWE का हिंट हो सकता है कि आने वाले टाइम में रोमन रेंज और दारो की स्टोरी लाइन हमें करती दिखाई दे सकती है। रोमन रेंज टाइटल भले ही हार जाए कल पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रोमन रेंज और दारो की स्टोरी लाइन में टाइटल का कोई भी रोल नहीं रहेगा। और ब्लड लाइन के अंदर और भी मेंबर एड हो सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर, पर ये सब अभी नहीं होगा, समर स्लैम के बाद होगा क्योंकि अभी तो रोमन रेंज हारने के बाद बहुत लंबे टाइम के लिए WWE से चले जाएंगे और उनका रिटर्न समर स्लैम 2024 के अंदर होगा और इसके बाद अपने ट्राइबल चीफ कैरेक्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे।